हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गर्ल्स टुसाया। गाइस, आज मैं लेके आई हूँ साकिर खान की न्यू स्टैंड अप कॉमेडी जिसका नाम है कुछ नहीं रखा इन बातों में। सो आज हम ये वीडियो पे देने वाले रिएक्शन, सो विदाउट टाइम वेस्ट पहले देख लेते हैं वीडियो। लेट्स वॉच। तब मैं इंडिगो की फ्लाइट में आने लगा। हाँ वही तो, इंडिगो था, मैसूर से आया यार मैं अभी इंडिगो की फ्लाइट में। अरे कर लूंगा भाई मैं। कितने लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल किया, मतलब ऐसा लंबा ट्रैवल है, मेट्रो की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेन में जब आप टिकट ना आप रिजर्व करते, वहाँ पे एक बंदा है जो लोगों के रिजर्वेशन अप्रूव करता है। तो इसलिए फॉर्म जब भरवाते हैं, जब ऑनलाइन जब आप भरते हैं, तो उसमें दो डिटेल सबसे इंपॉर्टेंट है, एज और जेंडर। तो क्या करता है वो, पर्सनली चेक करता है कि 53 मेल दे दो, 29 फीमेल दे दो, 26 मेल क्या ट्रेन में देखना, ऐसे कुछ बेचारे 25-25 साल के लड़के घूम रहे थे कि भाई साहब आपके उनसे यहाँ कोई बैठा है क्या? और आप अगर लड़के हो और आपकी शक्ल थोड़ी सी भी बिलो एवरेज है तो बिल्कुल ही इज्जत नहीं थी ना। गुल्लू के लोगों के साथ तो लोग चाम भी हो जाते हैं, जैसे मेट्रो के डब्बे में ना, जैसे कोई बेचारा गलती से मजदूर चढ़ जाता है ना लेडीज डब्बे में जो जेन्युइनली अनअवेयर है, तो सबको ऐसा खतरा लग जाता है, देखिए कैसे गुस्से चला रहे हैं, सब सब जान का खतरा हो जाता है उसको, वो भाग जाता है कि क्या होगा, हमको नहीं समझ आया कहाँ का चंदा था, पहली बार आए हैं। फिर एक कपल आता है भाई साहब, एक कपल चढ़ता है जिसके ना अथा एवरेज लड़की के साथ, बिल्कुल ही ग्रीक गॉड लौंडा। उस लौंडे से पूरे डब्बे में किसे तकलीफ नहीं हो रही, वो बिल्कुल ही वैसा लड़की। ये कपल्स ना बात कर रहे थे, और इसके अंदर मतलब लौंडा ऐसा वो हो रहा था कि और क्या तेरा को मालूम, तू प्यार नहीं करती मुझसे। और ये जो मैं करूं तो सटा मैंने कब कही कि मैं ना करूं प्यार, ना ना तू ना करे मुझसे। ये कॉन्वर्सेशन सब ध्यान से सुने, मेट्रो में सन्नाटा हो रहा पूरे डब्बे में, लेडीज डब्बे में खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंस, सिर्फ इनकी बातें सुनना है सब, किसी को तकलीफ नहीं हो रही, लौंडा आ गया है। पार्शियलिटी तो होती भाई साहब, आपके लुक्स पे बहुत फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो क्या ऐसा बहुत बार होता था, टिकट कन्फर्म होता नहीं था, और जिन लोगों की कन्फर्म होती ना वो भाई जो इतना मिसबिहेव करते, इतना ऐसा लगता है उनके बाप की ट्रेन है। मैं ट्रेन में कितनी बार ऐसा था, एक बार मैं क्या, छोटी बच्ची रो रही, 3 साल की बच्ची रो रही, ये रो क्या करेगा, चुप करेगा। मैंने कहा बिस्किट का पैकेट, मैंने बेटा खा लो आप, क्या बात है, चुप चुप। बाप बोला कि नहीं नहीं आप बिस्किट मत दीजिए इसको, उसने अपनी बच्ची गोद में लेगा चला गया, बड़े हराम में। तो पुलिस वाले लेके आ गया, पुलिस वाला कह रहा है ये ना इसके बाद जहरीले बिस्किट है सर। मुझसे बिस्किट खिलवा रहा, क्या आप पूरे का बिस्किट, पूरा पैकेट खाया मैंने, गुड्डे का बिस्किट खाया। पुलिस वाला मुझे घूर रहा, आधे घंटे तक दिखता रहा, बार बार चेक करना है कि मैं सो तो नहीं रहा, मेरे को लग रहा नींद आ रही, मैं सो नहीं सकता अब, क्योंकि उसको लगा सोया तो उसको लगा जहर वाला बिस्किट। मर गया देखा। तो मैंने बोला, मैंने कहा सर मैं आपको जेब कतर लग रहा हूँ क्या, हाँ आप ऐसे मुझे घूर रहे, कहता हाँ कन्फर्म नहीं हो तो ऐसी बेचती हूँ। और अब तो पैसे ऐसे आ गए, फ्लाइट में लेने लग गए, ठीक है। एक तो जेट एयरवेज बंद हो गई, मेरा इतना नुकसान हुआ, इसने मैंने ऐसे लोगों से लड़ लगा, मैंने जेट के अलावा कोई बुक मत कर देना, ठीक है, ऐसे पॉइंट इकट्ठे करवाया उनसे, ठीक है, हम जेट ही बंद हो गई। उनका मेल आता रहता है कि आपके इतने पॉइंट है, मैंने कहा क्या करूँ। हाँ गुरुद्वारे में बैठवा दूंगा लंगर के साथ, आपके इतने पॉइंट है। तब मैं इंडिगो की फ्लाइट में आने लगा।
हाँ वही तो, इंडिगो से आया, मैसूर से आया यार, मैं अभी इंडिगो की फ्लाइट में। अरे कर लूंगा भाई मैं, रुको। मेरे को बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ नहीं रखा इन बातों में, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लिख लो मौके। That's it guys, जैसा कि आपने देखा ज़ाकिर खान की ये वीडियो, कुछ नहीं रखा इन बातों में, जी हाँ पढ़ लिख लो। वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी ज़ाकिर खान की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, मैंने तो फुल इन्जॉय किया है इस वीडियो को। साथ ही साथ अगर आपको मेरी ये रिएक्शन वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पेशेंट, लव योरसेल्फ, टेक केयर, बाय।